अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज आपका चैप्टर 10 गैसियस एक्सचेंज शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, क्या होता है गैसियस एक्सचेंज, क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं, जो हम इंजेस्ट करते हैं फूड, उसकी ब्रेक डाउन होना और फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाना, क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन डाउन बॉन्ड बाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन टू एटीपी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं उसकी उसमें से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू, और जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में उसका ट्रांसफ़र हो जाना इनटू एटीपी, एटीपी बॉन्ड्स की सूरत में उनका स्टोर हो जाना हमारी बॉडी में या यूज़ होना, क्या होगा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू और ब्रेक डाउन होने के बाद इसके पास एंड प्रोडक्ट बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये भी क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू और एंड पे एटीपी बनते हैं, ठीक है। एटीपी क्या होती है, एनर्जी बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज एंड देयर इज़ कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटीरियल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है, और फूड की कम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बनते हैं इस प्रोसेस में, एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, आउटपुट होता है इस प्रोसेस का। तो कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज एंड देयर इज़ कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटीरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ऑर्गेनिजम्स गेट द ऑक्सीजन नीडिड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर सेल्स। तो और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ से लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है, उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड की और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एटीपी की फॉर्म में, और एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो कहाँ से लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है उसको बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, देखें ये इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है और एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये जो एनर्जी है। अब हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। बॉडी में ऑक्सीजन को ले कर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये प्रोसेस क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। मीन कि जिसमें दो गैसेस क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, एक इनवर्ड मूव कर रही है और एक आउटवर्ड आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हमारी बॉडी में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो ये एक्सचेंज क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ये देखिए ऑक्सीजन का कैपिलरीज़ में, ब्लड कैपिलरीज़ में हमारी बॉडी में मूव करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो ये क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है। इसके बाद बात करें ब्रीदिंग की। द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज फॉर द पर्पज़ थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स हवा को, एयर को अपनी बॉडी के इनसाइड लेके जाते हैं, उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो बाकी एयर बच जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं। तो इनहेल करना ऑक्सीजन को, तो ब्रीदिंग क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। थस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वेयर ब्रीदिंग इज ओनली द मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग, ये क्या है, सिनोनिमस नहीं है, मीन एक ही टर्म नहीं हम इनको कह सकते, दोनों क्या है, डिफरेंट है। जैसे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होती है, फूड की ब्रेक डाउन, सेलुलर रेस्पिरेशन फूड की ब्रेक डाउन होना, ठीक है, उसके बाद उसका एनर्जी बॉन्ड में एटीपी में कन्वर्ट होना, ऑक्सीजन का यूज़ होना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो
जो है ना मूव आउट कर जाना बॉडी से, ये सब कुछ रेस्पिरेशन में आता है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अगर ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग सिर्फ एक सिंपल टर्म है जिसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल और फिजिकल एक प्रोसेस है। तो जबकि जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट। तो अभी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, गैसियस एक्सचेंज पढ़ा और ब्रीदिंग पढ़ा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।